नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिक्षा एवं स्वास्थ्य को WTO से जोड़ने के विरोध में छात्रों ने निकाली रैली, समझौते वाद को फूंका। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल बैंक मनरेगा समेत सैकड़ों मामलों का हुआ निष्पादन। उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विमेंस कॉलेज में गुरुओं को दिए गए नए गुरु मंत्र। और आ गया पिकनिक का मौसम, परिवार एवं दोस्तों के साथ जुटने लगे लोग, गुलजार हुआ जुगनू पार्क। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन WTO से जोड़े जाने का AIDSO ने जोरदार विरोध एवं प्रदर्शन किया। केन्या की राजधानी नैरोबी में WTO के सम्मेलन में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को विश्व व्यापार में जोड़े जाने का ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ने विरोध जताया और रैली निकाली। रैली में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल थे। उनका कहना है कि WTO में शामिल होने से शिक्षा एवं स्वास्थ्य और महंगे हो जाएंगे और गरीब तबके के लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने WTO के दस्तावेजों को फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका नेतृत्व AIDSO के राज्य अध्यक्ष पतित पावन कर रहे थे। जो नैरोबी में होने जा रहा था बैठक 15 से 18 नवंबर को, नैरोबी की बैठक में WTO के अंतर्गत शिक्षा को लाने की जो साजिश हो रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे ही शिक्षा महंगी हो चुकी है, आज जिनके पास पैसा है वही पढ़ पा रहे हैं। अगर शिक्षा को WTO के अंतर्गत लाया जाए या गेट्स के अंतर्गत लाया जाए तो शिक्षा महंगी होगी और सबके लिए सुलभ नहीं होगी। हम चाहते हैं, AIDSO डिमांड करती है कि जनकल्याण के राष्ट्र में शिक्षा इतना महंगा क्यों होगा। आज शिक्षा जो छात्रों से कोसों दूर होते जा रहा उसका हम विरोध करते हैं। साथ साथ ये डिमांड करते हैं कि एजुकेशन को WTO के अंतर्गत से बाहर लाया जाए और गेट्स के अंतर्गत से बाहर लाया जाए। क्या किया? राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों लोग शामिल हुए और बैंक, सिविल, मनरेगा समेत सैकड़ों मामलों का निष्पादन हुआ। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 12 दिसंबर को पूरे देश भर में लोक अदालत लगाए गए। शहर के व्यवहार न्यायालय में भी हजारों की संख्या में लोग उमड़े। यहां कुल 10 बेंच लगाए गए थे। यहां बैंक, सिविल, मनरेगा, सर्टिफिकेट केस आदि से संबंधित सैकड़ों मामलों का निष्पादन हुआ। लंबा लिस्ट है इसमें, जैसे आपका क्रिमिनल मैटर्स है, NIAC का जो है चेक बाउंस के केसेस हैं, फैमिली केसेस हैं, जो है सिविल केसेस में सारा अपील है, नीचे कोर्ट का जो है वो है, सेल्स टैक्स मैटर है, इनकम टैक्स के हैं, उससे बैंक रिकवरी केसेस हैं, सर्टिफिकेट केसेस हैं, 107 वगैरह के जो केसेस हैं, काफ़ी लंबा लिस्ट है। और काफ़ी लोगों को, करीब 10-15 हज़ार लोगों को नोटिस गया है, विभाग से भी अलग नोटिस गया है, हमारे स्तर से भी नोटिस गया है। उम्मीद लगाई जा रही काफ़ी अच्छे मात्रा में जो है यहाँ पर जो है मनरेगा का मैटर्स है, काफ़ी अच्छा लिस्ट होगा ये डिस्पोजल के पास। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की सूरत एवं सीरत बदलने की दिशा में प्रयासरत है, इसके तहत शनिवार को एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में आयोजित कोल्हान यूनिवर्सिटी की कार्यशाला में RUSANEC पर चर्चा हुई। कार्यशाला में कुल 13 कॉलेजों के विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य और शिक्षकों ने भाग लिया। इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉ. रितेश राज और डॉ. शंभु दयाल ने शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता लाने, खासकर उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उपायों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति डॉ. शुक्ला मोहंती भी मौजूद थी। इस
1922 में। अब आप बताइए कि हमको जो तरीका था कि हमारा जो पास आउट होता है ना बच्चा 18 से 22 साल का, वही हमारा जो मेन पॉपुलेशन है, वो जब पास आउट होता है उसमें से सिर्फ 8.1% बच्चे ही ले रहे हैं, और जो करंट फिगर हमने जोड़ा वो 12 है, उसका कंफ्यूजन थोड़ा सा है उसमें, जो भी हो एक विवाद है, लेकिन 10 पे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन 32 चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट का 22-23 किया। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक है कि जितने भी उच्च शिक्षा के यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, सभी रूसा से जुड़े हैं, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा स्कीम्स हैं ये, जिसमें कि फंडिंग किया जाता है हर कॉलेज की सूरत और सीरत बदलने के लिए यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारे कुलपति महोदय का ये प्रयास रहा कि यहाँ जो वर्कशॉप हो रहा है, इसके पहले कल हम लोगों ने चैबासा में अपने हेडक्वार्टर में वर्कशॉप की, उधर के सारे पीजी हेड्स को बुलाकर और जितने कॉलेजेस उस साइड के 7 कॉलेजेस हैं उनको बुला के कि कैसे हम रूसा में अप्लाई करेंगे, उसके फॉर्मेट को जानेंगे, प्लस नैक भी आज के दिन में कराना जरूरी है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, प्लस AISHE स्टूडेंट एनरोलमेंट को देना, हर इंस्टीट्यूशन का एक प्रोफाइल होगा जिसको ये भी भरना जरूरी है। इस सबको बताने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, डॉक्टर नितेश राज और डॉक्टर शंभू दयाल सिंह, ये आए हुए हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं ये लोग रूसा के, ये लोग आके ये बता रहे हैं, हमारा ये वर्कशॉप हो रहा है, सारा दिन की कार्यशाला है। ठंड के मौसम में जुबली पार्क समेत अन्य मनोरम स्थलों पर लोग पिकनिक के लिए जुटने लगते हैं। ठंडी हवा, आकाश में हल्के बादल और इस मनोरम मौसम में लोगों का रुख रमणीक स्थलों की ओर होने लगता है। अपने परिवार और मित्रों के साथ लोग पिकनिक के मूड में नजर आने लगे हैं। शनिवार को वीकेंड मनाने बड़ी संख्या में लोग जुबली पार्क में नजर आए। यो कहें कि अब पिकनिक का मौसम आ गया है। आज पिकनिक कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और मस्ती। हम पिकनिक अभी स्टार्ट किए हैं, दिसंबर का महीना है अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे पिकनिक और होगी। बस यही दुख है कि मेरे जुबली पार्क ने वहाँ रास्ता बंद कर दिया है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत केंद्रों में कुल 70% मतदान हुआ। उपायुक्त ने बताया कि जुगसलाई क्षेत्र में 65.9% तथा पोटका में 77.8% मतदान हुए। पंचायत निर्वाचन 2015 के चतुर्थ चरण में प्रारंभिक प्राप्त सूचना के अनुसार गोलमुरी सजुकसलाई में 65.5% पोलिंग हुई है और पोटका में 77.8%, डिस्ट्रिक्ट एवरेज 70%। पुरानी कोर्ट परिसर स्थित कचहरी बाबा मंदिर का वार्षिकोत्सव 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। आमतौर पर इसे कचहरी बाबा मंदिर कहा जाता है, पर इस मंदिर का वास्तविक नाम चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर की बुनियाद 21 दिसंबर 1990 को यहां मूर्ति निकलने के बाद रखी गई थी। बराबर ये होता है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पहले बहुत छोटे रूप से शुरुआत की गई थी। अभी 2 दिनों का प्रोग्राम होता है, इसमें अखंड पाठ तो अलग ही है और भी भजन कीर्तन पाठ हवन जो सालाना हम लोग का होता है बहुत बृहद। कहाँ के पुरोहित रहते हैं? यहाँ पुरोहित तो लोकल ही रहते हैं। एमजीएम अस्पताल में शनिवार को एक वर्कशॉप के जरिए छाती से संबंधित रोग, पक्षघात, रक्तचाप आदि पर डॉक्टर निर्मल कुमार ने व्याख्यान दिया। रांची से आए विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मल कुमार ने एमजीएम अस्पताल में आयोजित सेमिनार सह कार्यशाला में अपने अनुभवों को बांटा, साथ ही चेस्ट से संबंधित रोगों के आधुनिक इलाज के विषय में जानकारी दी। कार्यशाला में रोगियों के लक्षण, उसके उपचार एवं दीर्घकालिक फायदे के विषय में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। The assistance from the government, the diagnosis is improving gradually, but still within a few days or weeks we'll get GNAT, when the people will be knowing exactly immediately what is the sensitivity or what resistance drugs are there. And after the sleep apnea syndrome, yes, we do miss it, we don't think about that, and most of the accidents and hypertension and things and yawning and not taking any rest, forgetfulness.